खबर सोनभद्र से है। आपको बताएं, ट्रक ने स्कूल बस को टक्कर मारी है। हादसे में 6 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। गलत दिशा से, रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने यह टक्कर मारी है। घायलों को निजी अस्पताल भर्ती कराया गया है। पिपरी थाना क्षेत्र के खाड़पाथर की यह घटना बताई जा रही है। खाड़पाथर जगह है जहां यह एक्सीडेंट हुआ है, पिपरी थाना लगता है। हादसे में 6 स्टूडेंट घायल है, अस्पताल भर्ती कराया गया है। लेकिन बड़ा मामला यह है कि रॉन्ग साइड से यह ट्रक आ रहा था और बस को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ा। सोनभद्र से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। स्कूल बस का शीशा टूटा हुआ है। कितनी बुरी तरीके से टक्कर लगी अंदाजा आप लगा सकते हैं। 6 बच्चे घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। शीशे कांच बिखरे हुए हैं। अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से टक्कर मारी होगी ट्रक ने इस बस को, वो भी रॉन्ग साइड से आते हुए। सोनभद्र की ये तस्वीरें हैं। 6 बच्चे हैं, वो घायल हैं, इसी बस में वो सवार थे। इन सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया इलाज के लिए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक स्कूल बस को टक्कर मार करके ये ट्रक किस तरीके से भागा, वो भी रॉन्ग साइड से आता हुआ। सोनभद्र से खाड़पाथर एक जगह है जहां ये बस एक्सीडेंट का शिकार हुआ है। ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था, बस को टक्कर मारी और मौके से फरार। बस की कंडीशन आपके सामने है। इस बस में 6 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। 6 बच्चों का इलाज चल रहा है, वो अस्पताल में भर्ती हैं और अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। रॉन्ग साइड से बस को ट्रक ने टक्कर मारी है। टक्कर के बाद बस की क्या हालत है ये आपके सामने है। एमएलसी की 5 सीटों पर चुनाव को लेकर के बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। एमएलसी की शिक्षक सीट के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार है। पार्टी में एक कार्यकर्ता को 10 वोटर की जिम्मेदारी दी जाएगी। मौजूदा शिक्षक एमएलसी शिक्षा जो क्षेत्र है उनकी जिम्मेदारी, खास क्षेत्र के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। शिक्षकों को भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए संपर्क करना होगा। हर एक उम्मीदवार पर, हर एक कार्यकर्ता पर 10 वोटर की जिम्मेदारी दी गई है। तीन स्नातक की, 2 शिक्षक की, हमने 5ों पे अपने प्रत्याशी घोषित करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमने पूरी तैयारी की है चुनाव के लिए। तो चुनाव में रणनीतिक रूप से चुनाव हमें जीतने के लिए लड़ना है, तो हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम का विभाजन करके, कार्य का और वोटों से किस प्रकार से मतदाताओं से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए उन्हें प्रेरित करना है, इसका पूरा तैयारी के सिलसिले में आज ये बैठक है। 5 की 5 सीटें जीतेगी, इसकी योजना बना ली है पार्टी ने और पूरे दमखम के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से पहले से भी स्नातक में हमारा बेहतर प्रदर्शन होता था, शिक्षक वाली सीटें भारतीय जनता पार्टी पहले लड़ती नहीं थी, अब जब से हम लड़ रहे हैं तो शिक्षक वाली सीटें भी जीत रहे हैं। पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और इस बार भी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। कि भारतीय जनता पार्टी जो 5 एमएलसी के जो चुनाव हैं उसको बहुत सीरियसली लड़ रही है और जीतने के लिए लड़ रही है। तो हम सभी लोगों का दायित्व बनेगा कि जो भी कार्यक्रम जो उस पार्टी से मिलता है, जिस प्रकार की योजना है वो हम लोग को बताई जाएगी, उस योजना के तहत हम लोग नीचे वो काम करेंगे और अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताने का पूरा भरपूर प्रयास भी करेंगे। हम लोग लगातार लगे रहते हैं और चुनाव मोड में ही रहते हैं, बैठक हमारी भी लगातार होती रहती है और हमको लगता है ये जो इलेक्शन होगा वो एक तरफा होगा और जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन होगा और दिखाई पड़ेगा अच्छा सा। और उधर अमेठी में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। SHO समेत भारी पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई हुई है। हाईवे के किनारे बनाए गए अवैध मकानों को गिराया गया है। मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है जहां अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। मुंशीगंज थाने में रिपोर्ट मिल रही थी कि अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, इस पर अब कार्रवाई हो चुकी है। SHO समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। तो अमेठी से ये आई तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। SHO और पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहे ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ये अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई पूरी की जा सके।
तो एक एक करके अतिक्रमण को हटाया गया। लंबे वक्त से जमे हुए थे लोग, सूचना देने के बाद, नोटिस देने के बाद भी जब नहीं कोई एक्शन हुआ, तब यहां पर बुलडोजर लेके एसएचओ और भारी पुलिस फोर्स पहुंचती है और मौके से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। आगे बढ़ेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा, बड़ी खबर मिल रही है। 20 जनवरी को गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन होना है। गाजीपुर जिले की सभी सीटों पर पिछली बार की अगर हम बात करें, हार का मुंह देखना पड़ा था। 30 जनवरी को अमित शाह भी पहुंच सकते हैं अंबेडकर नगर। गाजीपुर वो क्षेत्र रहा है जहां विधानसभा चुनाव से अच्छे नतीजे नहीं आए थे। ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एहतियात बरती जाएगी। चौबीस की तैयारी और खबर मिल रही है, जेपी नड्डा यूपी दौरे पर रहेंगे। जहां विधानसभा में अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं थी, लेकिन अब 2024 के मद्देनजर यहीं जनसभा को संबोधित करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। बड़ी खबर मिल रही है, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान सामने आया है। गौवंश को लेकर के सरकार अभियान चलाएगी, पीपीपी मोड पर गौशालाएं बनाई जाएंगी, ये कहा उन्होंने, और ओडीओपी से भी इन्हें जोड़ा जाएगा। इस बार लोकसभा में गौवंश का मुद्दा नहीं बनने देंगे, ये कह रहे हैं संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से निराश्रय गायों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अब उनको गौशाला तक पहुंचा जाएगा, तो किस तरीके से पूरी योजनाएं चलाएंगे आप लोग? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 4 जनवरी को एक प्रेजेंटेशन दिया और उस प्रेजेंटेशन में स्पष्ट निर्देश दिए कि बड़ी गौशालाएं पीपी मोड पर बनाई जाए और इनको हम जो उद्यमी पूंजी निवेश करेंगे उन्हें हम जमीन फ्री देने का काम करेंगे और गायों को भी देने का काम करेंगे उन्हें, और लाइसेंसिंग जैसे सौर ऊर्जा है, पैन ऊर्जा है, बाकी ऐसे बात कार्य करेंगे, इन्हें ODOP से भी जोड़ने का काम करेंगे। तो इस तरीके से हम गौशालाएँ, आत्मनिर्भर गौशालाएँ बनाकर हम बड़ी संख्या में इसका काम को कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाकर गायों को, जो निराश्रित गौवंश है, उसको आश्रय स्थल पर पहुँचाकर उनके रहने का अच्छा प्रबंध करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मपाल सिंह, इनका कहना है कि निराश्रित गौ के लिए कहीं ना कहीं यूपी सरकार अब योजना बना रही है और 31 मार्च तक योजना है कि जो सड़कों पे आवारा पशु रहते हैं उनको आश्रय स्थल पे भेजा जाए, जिससे जनता को लाभ हो सके। विपिन रावत के साथ अविनाश तिवारी, यूपी गंगा। खबर नोएडा से है। नोएडा के अट्टा मार्केट में दुकानदार की डंडे से पिटाई की गई है। CCTV फुटेज सामने आया है जिसमें दो युवक पर मारपीट का आरोप लगा है। 2 महीने पहले खरीदे कपड़े को वापस लेने से दुकानदार ने इनकार कर दिया, लेकिन ऐसे में काउंटर पर किस तरीके से कुछ लोग आते हैं, लाठी डंडे से काउंटर के पीछे खड़े शख्स को पीटना शुरू कर देते हैं। आपको बताएं, थाना सेक्टर 20 में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन कानून को हाथ में लेने की हिम्मत दिखाई इन दो लोगों ने। देखिए आप किस तरीके से काउंटर के दूसरे साइड खड़े दुकानदार को डंडे से पीटता ये शख्स नजर आ रहा है। इसके बाद भी बात कितनी आगे बढ़ती चली गई इसका अंदाजा लगाइए। क्लियर फुटेज सामने आया CCTV का, जहां 2 महीने पहले ग्राहक ने कपड़े खरीदे, दुकानदार के पास आया और कहा कि कपड़े को वापस करो, मना करने के बाद किस तरीके से पिटाई की गई इसका अंदाजा आप लगाइए कि सिर पे चोटें आई हैं। मामले को सेक्टर 20 थाने में दर्ज कराया गया है, FIR दर्ज हो चुकी है। शख्स आता है और डंडे से पीटता चला जाता है, बचाव का मौका भी नहीं देता है, लगातार लाठियां बरसाते दो लोग दिखाई देंगे। इस फुटेज को देखिए, बहुत क्लियर है, साफ दिख रहा है कि बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, कि काउंटर पर खड़े जो कैशमैन है उसको पीटते हुए दो लोग दिखाई दे रहे हैं। वो शख्स काउंटर के आगे आ जाता है, बचाव के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे पकड़कर पीटते रहते हैं। ये सब कुछ CCTV में कैद हो चुका है। इस वीडियो के आधार पर FIR दर्ज हो चुकी है। ये शख्स है जिससे मारपीट में घायल हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिर में काफी चोटें आई हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये शख्स लगातार लाठियां बरसा रहा है, चोटें होना लाजमी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतनी हिम्मत, जहां कपड़े को वापस करने के लिए मना करने पर क्या किसी शख्स की इस कदर पिटाई कर दी जाएगी।
अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दो लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है सेक्टर 20 थाने में। वहीं मुरादाबाद के कारोबारी से ट्रेन में हुई मारपीट मामले पर सियासत गर्मा गई है। मुरादाबाद के भाजपा सांसद एसटी हसन ने घटना की निंदा की है और दावा किया है कि इस तरीके की घटनाएं नफरत फैलाती हैं। दिल्ली से मुरादाबाद जाते वक्त पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में एक कारोबारी के साथ जो मारपीट की घटना हुई है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब हैं। हसन साहब, ये जो घटना हुई है, एक कारोबारी के साथ मारपीट हुई है ट्रेन में, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? एक कारोबारी जो दिल्ली से आ रहा था, भीड़ भाड़ में उसको ये कह के पहले मारा गया कि चोर है, उसके बाद उससे धार्मिक नारे लगवाने की कोशिश की गई और जब नहीं लगाए तो कपड़े उतार के उसको मारा। मारने के बाद वो उसे अधमरा कर दिया। जो लोग मार रहे हैं वो तो कलंक है ही इस देश के लिए, लेकिन जो लोग देख रहे थे तमाशा वो इतने डरे हुए क्यों थे? समाज इतना भयभीत क्यों हो गया है? नफरतों के बुनियाद के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान पर राजनीति कर रहे हैं, बच्चों के अंदर जहर घोल दिया गया है और इसका नतीजा सबको मालूम है क्या होगा। देश बर्बाद हो जाएगा, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी हमारी। अभी चार दिन पहले मोहन भागवत जी ने कहा था कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये गरीब आदमी बेचारा जिसकी दाढ़ी थी, दाढ़ी की वजह से वो पिट गया, घर जाके बैठ गया और ये कह रहा है कि मैं डर के मारे पुलिस के पास भी नहीं गया। कि इस तरह की जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए राजनीति जिम्मेदार है और वो राजनीति जो नफरत की राजनीति देश में हो रही है। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। लखनऊ के सरोजनी नगर के भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने दिव्यांगों को उपकरण बांटे। अपनी विधानसभा सरोजनी नगर में 1000 उपकरणों को उन्होंने बांटा है जिन्हें 50 लाख की कीमत में खरीदा गया है। दिव्यांगों को दिए गए उपकरण में व्हीलचेयर है, दूसरे सामान उनकी जरूरत के शामिल है। भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह की पहल से 10,000 दिव्यांगों को फायदा हुआ है। तो यहाँ पर दिव्यांगों के लिए उनका सहारा, उनकी मजबूती के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए कुछ ऐसे उपकरण हैं, उसे बांटा है राजेश्वर सिंह ने ताकि वो आत्मनिर्भर और अपने आप से आगे बढ़ सके। सरोजनी नगर इनका क्षेत्र है जहाँ 1000 उपकरण बांटने का उनका टारगेट था। देखिए वहीं से तस्वीरें आई हैं, ये टारगेट पूरा हुआ है। जोशीमठ से बड़ी खबर मिल रही है। माउंट व्यू और मलारी इन होटल को तोड़ने की कार्रवाई जारी है। CBRI रुड़की की टीम की निगरानी में यह कार्रवाई चल रही है। NDRF, SDRF और भारी संख्या में फोर्स तैनात है। माउंट व्यू की छत पर पानी की टंकी को तोड़ा जा रहा है। 50,000 लीटर की कैपेसिटी है, इस टंकी को तोड़ा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के धीरे धीरे मलारी इन और माउंट व्यू होटल को मैनुअली तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। जोशीमठ ब्रेकिंग यह है कि टॉप पर जो टंकी है भारी भरकम, उसे तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। अच्छी खासी कैपेसिटी वाला ये पानी का टैंक है। 50,000 लीटर की क्षमता वाली टंकी को सबसे पहले तोड़ने की कवायद चल रही है। CBRI रुड़की की टीम मौजूद है। इसके अलावा भारी संख्या में फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। आप देखिए किस तरीके से लोग रुक करके और तमाम फोर्सेस ऑफिसर्स मौके पर मौजूद हैं ताकि सेफली डिसमेंटल किया जा सके इन दोनों होटल्स की बड़ी बिल्डिंग्स को। सबसे पहले टॉप से शुरुआत की जा रही है। बड़ी पानी की टंकी है, 50,000 लीटर इसकी कैपेसिटी है, इसको तोड़ने की शुरुआत की गई है। इसके बाद धीरे धीरे एक एक करके फ्लोर्स को गिराया जाएगा। मलबे को सहेजते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने की चुनौती है। मौसम भी खराब है। जोशीमठ में आज लगातार तीसरे दिन भी होटल मलारीन और माउंट व्यू को तोड़ने की कार्यवाही लगातार जारी है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, CBRI की टीम की निगरानी में होटल ढहाने का काम जारी है और जैकहैमर और घन की मदद से आप देख सकते हैं होटल को तोड़ा जा रहा है। और अभी जो SDRF की टीम है वो भी मौके पर तैनात है, पुलिस की टीम भी मौके पर तैनात है। इसीलिए ये टीम यहाँ पर तैनात की गई है ताकि कोई लोग इधर से ना गुजरें और कोई अनहोनी यहाँ पर न घटे। और सीधे तौर पर आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं कि किस तरह पंखे उतारे गए हैं, होटल के अंदर का जो भी सामान है उसको सावधान
सावधानी पूर्वक निकालकर ट्रक में लोड कर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा। रात को ये कार्रवाई रोक दी जा रही है, लेकिन आज मौसम साफ है, इसके बाद स्पष्ट कारणों का पता चल पाएगा कि रात को भी ये कार्रवाई जारी रहेगी या नहीं। लक्ष्मण सिंह राणा, एबीपी गंगा, जोशीमठ। और उधर जोशीमठ को औली से जोड़ने वाला 4.25 किलोमीटर लंबे रोपवे की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से खतरे की जद में आ चुका है। देर रात रोपवे के प्लेटफॉर्म के पास बड़ी बड़ी दरारें आई हैं। हालांकि रोपवे के टावर नंबर 1 के पास बीते दिनों दरारें देखी गई और इसके बाद से ही प्रशासन ने एहतियातन संचालन पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब और दरारें बढ़ने के साथ चिंता भी बढ़ चुकी है। अभी मैं मौजूद हूं जोशीमठ में और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं एशिया की सबसे लंबी ये रोपवे है। 4.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इस पर 10 टावर हैं। आप ठीक मेरे पीछे, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं कि जो टावर है इस तरह है, औली तक इसमें 10 टावर हैं और 10 टावरों से गुजर कर ये रोपवे जो ये ट्रॉली है वो जोशीमठ के ऊपर ठीक औली पहुँचती है। और कल रात में इसमें दरारें बड़ी हैं और रोपवे भी खतरे की जद में आ गया है। मैं दिखाना चाहूँगा कितनी मोटी मोटी ये दरारें यहाँ पर आई हैं। हालाँकि एहतियातन ये रोपवे जो GMBN है उसके द्वारा बंद कर दी गई थी, प्रशासन ने एक्शन लेते हुए रोपवे को फिलहाल के लिए बंद किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पहले इसमें ये दरारें नहीं थी, लेकिन कल रात को ही ये दरारें यहाँ पर बड़ी हैं। काफ़ी चौड़ी ये दरार हैं, आप देखना चाहेंगे बड़ी बड़ी दरारें यहाँ, जिससे रोपवे पूरी तरह खतरे में यहाँ पर आ गया है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑपरेशन मैनेजर हैं यहाँ पर, दिनेश भट्ट जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कब से ये दरार यहाँ पर आई है? ये कल शाम से ही आई है, कल रात से ही इसको हमने किया। हम क्योंकि हम डेली मॉनिटरिंग करते हैं अपने सारे टावर्स को, अपना जो हमारा बेस स्टेशन है, लेकिन ये जो है ये जस्ट प्लेटफॉर्म के बिल्कुल बगल में ही आ गया। गहरी भी काफ़ी है, 3.5-4 फीट के करीब है एंड 4 इंचेस वाइड। पहले भी इसमें दरारें आने की बात सामने आई थी, उसके बाद आपने एहतियातन इसको बंद कर दिया था, कब ये दरारें आई थी और अब क्या स्थिति है? नहीं, पहले हमारे टावर नंबर 1 के नीचे वाले जो खेत है उसमें आई थी। टावर सब सुरक्षित हैं मेरे, लेकिन जैसे ही आज ये यहाँ आया है तो ये फर्स्ट टाइम हमने ऑब्जर्व किया है। तो आने वाले समय में ये खतरा और बढ़ सकता है आपको लगता है क्या? कह नहीं सकते हैं, कुछ बढ़ भी सकता है। तो खतरा बढ़ सकता है और ये जो दरारें आने के बाद, हालांकि रोपवे पूरी तरह बंद है और इससे पहले ही प्रशासन के आदेशों के बाद रोपवे बंद कर दी गई थी। लक्ष्मण सिंह राणा, एबीपी गंगा, जोशीमठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।